जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के नंगारखाना चौक के दृश्य हैं। समय है राजभोग के दर्शन का। कल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर खुलने के साथ ही लगभग 1000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए थे। आज भी दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। संदर्भ यह है कि रविवार 11 जुलाई 2021 को रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम को इस रथ यात्रा के दर्शन आम दर्शनार्थियों को नहीं हो पाएंगे। कारण यह है कि कोविड महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया हुआ है। लेकिन प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार सभी सेवा क्रम प्रभु श्री जी में अंदर तो होगा ही, और विधि विधान के अनुसार सभी परंपराएं निभाई जाएंगी। हालांकि शनिवार तक नियमित रूप से प्रभु श्री जी के दर्शन होते रहेंगे। इस संदर्भ में श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा ने बताया कि राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश नहीं आएंगे तब तक इसी प्रकार से प्रभु के दर्शन होते रहेंगे, और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के कारण प्रभु श्री जी के दर्शन बंद रहेंगे। और जो दृश्य आप देख रहे हैं यह समाधान विभाग के बाहर के हैं, जहां पर यह फ्लिप टर्न मशीन लगाई गई है जो मनोरथियों की रिसिप्ट पर बने हुए बारकोड को स्कैन करती है और प्रभु श्री जी के सन्मुख दर्शन की कतार में जाने के लिए उन्हें रास्ता खोल कर देती है। यह एक अभिनव प्रयोग है और पारदर्शिता दर्शन व्यवस्था में इसका मकसद है। इसी प्रकार के कई बदलाव प्रभु श्री जी के मंदिर में हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी गुरुवार 8 जुलाई 2021 है, और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में चंदनिया मलमल की परधनी और कतरा के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार ऐच्छिक हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में जिस दिन कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा से मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में चंदनी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रूपहरी किनारी के हाशिया से सजी हुई होती है। खंड पाठ पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गाजी पर माटी के कुंजा में
सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं। आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। और प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को चंदनी रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज प्रभु को परधनी धराई जाती है। यह परधनी गोल छोर वाली होती है और रुपहरी जरी की किनारी से सजी होती है। वहीं श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को चंदनी रंग की ही गोलपाक धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम, कतरा एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को मोती के कर्ण फूल ही धराए जाते हैं, तो श्री कंठ में आज प्रभु को विशेष रूप से मोती का चोलड़ा अर्थात मोती की चार लड़ वाली माला धराई जाती है। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज तुलसी, श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली दो माला जी अंगीकार करवाई जाती हैं। इनके साथ ही श्वेत पुष्पों की ही हमेल की भांति दो माला जी भी अंगीकार करवाई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज तीन कमल की छड़ी के साथ झीने लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र आभरण एवं अलंकारों से श्रृंगारित प्रभु श्री जी को आज भी आरसी चांदी वाली ही दिखाई जाती है। और आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो मंगला में प्रीतम प्रीत ते बस कीनो, राजभोग में देखो ढरकन नव रंग पाग की, आरती में मेरे री बगर में आवत शाम, शयन में ए जर जाओ री लाज, मान के पद में तेरी भ्रूह की मरोरन ते, पोड़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सत्वा तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है, तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है, तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। राधे ही रंग भरी राधे तू, राधे तू अत ही रंग भरी।
मिलट टूटी नकवे सर जनावत सेनन बे
जनावत मेरो ले ले नाम आव द्वार मेरे बैन बजावे गावेरी घनश्याम अब द्वार मेरे मैं अपनी कुल कान डरत लाजत जी सब गाम मैं अपनी कुल कान डरत सखी लाजत जी सब गाम मैं अपनी रामदास प्रभु मिले बासकीनी राम घनश्याम अब द्वार मेरे अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहेब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।